सो हेलो गाइज, मैं नाम है और आप देख रहे हो ऑगडी गेमिंग नामक यूट्यूब चैनल। और गाइज, आज हम लोग नई सीरीज का स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है माइनक्राफ्ट। और भाई, इस सीरीज में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई चलो, हम लोग अपने वर्ल्ड का नाम रख देते हैं। तो भाई, मैंने बहुत सोचा और मैंने सोचा है कि मैं अपने वर्ल्ड का नाम रखूँगा मिस्टर ओपी, और आगे क्या लगाया जाए मैं यही सोच रहा हूँ। तो भाई, मैं सोच रहा हूँ मिस्टर ओपी बॉट कैसे रहेगा। भाई कतई एकदम जाहिलों वाली फीलिंग आएगी, भाई बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस, मैंने अपने क्या कह सकते हैं, मैंने अपने वर्ल्ड का नाम मिस्टर ओपी बॉट रख दिया है। और भाई, हम लोग वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, मुझे काफ़ी टाइम हो गया और फाइनली गाइस गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो भाई, हमारा वर्ल्ड खुल चुका है, तो देखते हैं भाई। मुझे उम्मीद है भाई, काश आस ही पास भाई मुझे कोई विलेज मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा भाई कतई। ओ भाई, एक सेकेंड, क्या मैंने अभी कुछ देखा था? एक सेकेंड गाइस, ओ भाई साहब, भाई साहब क्या ही गजब की किस्मत है भाई। पहली बार में देखा ही तो भाई विलेज मिल गया भाई, कतई मज़ा आ गया भाई, कतई मज़ा आ गया भाई। तो भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या किया जाए। सो गाइज, मैंने सोचा कि सबसे पहले चल के इस विलेज को देखा जाए, इसमें कोई बढ़िया चीज़ है कि नहीं है भाई। काश कोई मज़ेदार चीज़ मिल जाए भाई, कतई मज़ा आ जाएगा भाई। तो सबसे पहले मैं अपना पहला घर सर्च मारते हैं, तो मुझे यकीन है भाई पहली घर में हमें एकदम गजब की चेस्ट मिलेगी, जिसमें भाई कोई तगड़ी एन्चेंटमेंट वाली कोई टेबल मिल जाए, कुछ तो तगड़ा मिलेगा। और भाई, ओ भाई गुस्सा ना हो भाई, जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ ले। और भाई, पहले घर में हमें एकदम लूज़र वाली फीलिंग आ चुकी है। 15-0 भाई, कुछ ढंग का नहीं, तो बेकार है, दिखियो नहीं दोबारा। और अगर हम लोग दूसरे घर में चलो तलाश करते हो भाई, इसमें तो कुछ ना कुछ नहीं है बट वो भाई कतई भाई एकदम दिल टूट गया। और गाइस, हमें आयरन ग्लोब में चचा मिल चुके हैं, और ये चचा बहुत खूंखार हैं, जो हमारे विलेजर्स पे जुल्म ढाता है। वो वहाँ के क्रिश बन जाते हैं भाई, कतई बुरी तरह मारते हैं भाई आयरन मैन की तरह। ओ भाई, ये मुझे लगा भाई इस घर में कुछ तो होगा, लेकिन भाई ये भी गरीब गुरबों का घर है भाई। क्या यार, सब सुनार उनार ही हो क्या यहाँ पे? कोई ढंग का आदमी नहीं रहता क्या भाई? बहुत रुला रहे हो यार तुम लोग, देखना मेरी दुआ तुम लोग को नहीं लगेगी। ओ भाई लगते कोई टेबल है। अरे यार, ये तो किसी फार्मर का घर है, भूसा भर के रखे। लेकिन इस घर बहुत अच्छा, चलो ऊपर चल के देखते, क्या पता हमें कोई गजब की चीज़ मिल जाए। तो भाई, फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन गाइस यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला भाई। क्या ही किस्मत है, रोने का मन कर रहा है लेकिन रोने का दिल नहीं चाह रहा। तो भाई चलो, हम लोग और घर देखते हैं भाई, दिल नहीं तोड़ना है। सो गाइस, इस घर में चल के देखते हैं। ओ भाई, इसमें तो मुझे लग रहा है कुछ नहीं होगा भाई, कतई दम टट्टी घर है भाई, मज़ा नहीं आ रहा। देख के मुझे घिन सी आ गई भाई, देखो राजाओं वाली फीलिंग। ओ भाई भाई, बेइज्जती करने के लिए भाई माइनक्राफ्ट बनाया गया है क्या? जब कहो भाई कुछ मिलेगा तब तो भाई एकदम भगा देते हैं, और जब कहो नहीं मिलेगा तब भाई एकदम शानदार चीज़ देते हैं। और भाई, हमें 3 एमरल्ड मिल गए, और मुझे लग रहा है यहाँ भाई कभी अर्थक्वेक आया होगा। देख सकते हैं आप एकदम दीवारों में, यहाँ की ज़मीन में एकदम गजब की दरार आई हुई है भाई, देख के लग रहा है कि यहाँ बहुत तगड़ा भूकंप आया है। तो चलो गाइस, हम लोग आगे चल। सो गाइस, मैं इतनी देर पे यहाँ से टहल रहा हूँ, लेकिन मैंने गाइस एक चीज़ तो नोटिस ही नहीं की कि हमारे पीछे का गाइस ये देखिए कैसा अजीब सा सीन है भाई, कतई मनुष्य अच्छा ही ऐसा लग रहा है, यहाँ भूतों का साया है भाई साहब। देखो यार, यहाँ पे एकदम लंबे लंबे पेड़ों की क्या कह सकते हैं बेले लटक रही हैं, और भाई एकदम क्या ही बोले, मरी सी घास है यार, देख के मज़ा नहीं आया भाई। और अजीब सी भाई, कहीं हमारी नीली सी घास है, कहीं हरी सी, कहीं वाइट सी, अजीब सी घास है भाई। मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ भाई, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी जगह। और आज मैं सोच रहा हूँ जहाँ पे मैं स्पॉन हुआ है, मैं वहीं पे अपना महल बनाऊँ और वहीं से हमारे गेम की स्टार्ट करूँ। हम अपना एक वाटर मार्क छोड़ देंगे उस जगह पर, ताकि याद रहे कि भाई हम लोग ने क्या करा था यहाँ पर। तो भाई चलो, लेकिन गाइस ऐसे खोदने में बहुत टाइम। तो गाइज़, अगर मुझे उस जगह को साफ़ करना है तो मुझे सबसे पहले एक शॉवल की ज़रूरत होगी। तो शॉवल के लिए हमें चाहिए थोड़ी वुड, और वुड के लिए हमें चाहिए पेड़। और मैंने काफ़ी पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया। और भाई, मैं सोच रहा हूँ पूरी पूरी जगह साफ़ कर दूँ एकदम। तो भाई, स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। तो भाई, मैं सोच रहा हूँ 2 पेड़ काफ़ी रहेंगे हमारे काम के लिए। हाँ गाइज़, फाइनली काफ़ी देर बाद मेरे खोते खोते यहाँ पे मुझे अच्छे खासे यहाँ पे वुड मिल चुका है। तो भाई, अब कोई टेंशन नहीं, अब हम लोग चलते हैं और बढ़िया से अपनी वो जगह साफ़ करते हैं। तो हमें सबसे पहले बनाना होगा यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल। तो भाई, कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के मैं सोच रहा हूँ क्राफ्टिंग टेबल बनाऊँ, और ये जगह एकदम साफ़ करके बढ़िया सी एकदम मज़े कर लें यहाँ पे भाई एकदम। अभी तो एक छोटा सा घर बनाएंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, लेकिन भाई आगे आगे देखो क्या ही गजब का महल बनाऊंगा। और मैं कोई ऐसा वैसा महल नहीं बनाऊंगा, एकदम 7-स्टार होटल बनाऊंगा। सो गाइस, हम लोग ने यहाँ क्राफ्टिंग टेबल तो बना लिए, और अब क्राफ्टिंग टेबल से हम लोग कुछ वेपन्स बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक सॉल्ट बना लेते हैं और बाकी सब बना लेते हैं। तो गाइस, एक स्टिक कैसे बनती है, लेकिन स्वॉर्ड, हाँ हाँ याद है,
गाइस मैं तो सब भूल ही गया हूँ। मुझे अब याद आया कि जब मैं ट्रायल खेल रहा था, मैंने अभी आपको बता दूँ कि मैंने गेम खेल से पहले कुछ दिन मैंने ट्रायल लिया था और मैंने समझा था इस गेम को, तो मुझे थोड़ा बहुत ये गेम समझ आने लगा है। तो भाई सबसे पहले हमें ये बनाना होगा, और शावल, भाई शावल नहीं बन रहा यार, शावल शो क्यों नहीं हो रहा है? अरे अरे शावल कहाँ गया, शावल 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 यहाँ ही नहीं है। ओ भाई शावल कहाँ गया, ओ भाई शावल, ओ भाई मैं तो ये भूल ही गया कि हम लोग वुड का शावल बना रहे, तो शावल तो ऊपर होगा सबसे। ओ भाई मारो मुझे, क्या ही मैं मजाक कर रहा हूँ यार। तो गाइस हम लोग ने हर चीज़ एक एक बना ली है, तो अब मैं यहाँ ये जगह तोड़ना शुरू करता हूँ। तो गाइस काफ़ी टाइम लगेगा ये जानता हूँ, लेकिन बड़ी जगह है, लेकिन चलो यार टाइम लगेगा तभी तो गेम में मज़ा आएगा, अगर रिस्क नहीं। ओ भाई मैंने जिस जगह पे हल्का सा अपना शावल मारा, वो जगह आप देख सकते हैं गाइस कैसी अजीब सी मरी मरी सी हो गई है। तो गाइस चलो तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस काफ़ी टाइम हो चुका है और 10 मिनट बाद जाके अब मैंने इसको काफ़ी सही से तोड़ लिया है। तो अब चलो भाई तोड़ना बंद करते हैं और इसको सेट करके अपना एक छोटा सा घर बनाते हैं। तो गाइस अभी तो मैं बिना छत का ही घर बनाऊंगा, इसलिए क्योंकि मेरे पास अभी एक भी टॉर्च नहीं है, और बिना टॉर्च के अंधेरे में मुझे रहना पसंद नहीं है, बहुत बोरिंग लगता है। तो चलो भाई यहाँ पे हम लोग दीवार बनाना शुरू करते हैं। तो भाई बहुत जल्दी हमें काम करना है। ओ भाई मैंने लगाया ही था कि वो हरी भी हो गई भाई ब्लॉक, तो भाई बहुत जल्दी काम करना है क्योंकि बस रात होने वाली है थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों में यहाँ पे रात हो जाएगी, और भाई रात होते ही यहाँ पे मॉब स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। तो भाई बहुत ये कहाँ लग गई, चलो कोई नहीं। ओ भाई मेरे हाथ लगता है फिसल जा रहे हैं, कहीं भी लगी जा रही है यार, जल्दी ओ भाई जल्दी। ओ भाई मैंने तो अपने पैरों की ज़मीन तोड़ दी। तो गाइस जल्दी जल्दी मैं शुरू कर चुका हूँ काम, और भाई ये जगह खाली रह गई थी, पहले इसको भर देता हूँ भाई, बहुत जल्दी मुझे काम ख़त्म करना है। सो गाइस यहाँ की मैं दीवार थोड़ी ऊँची रखूँगा, इसलिए क्योंकि इस साइड एक ब्लॉक ऊँचा है, और भाई ब्लॉक ऊँचा है इसलिए यहाँ पर मॉब छलांग लगा के आ सकते हैं। तो गाइस चलो बस हो ही चुका है अपना काम, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई, जल्दी हो जाए यार। क्यों भाई क्यों दिल तोड़ रहा है, मैं दो ब्लॉक और लगा दूंगा यहाँ पे ताकि कोई ख़तरा ना रहे भाई, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ यार यहाँ पे। अभी मैं पहले एक एक ब्लॉक की एक छोटी सी घेरा बना लूँ, ताकि वो भाई मॉब था क्या, नहीं यार घेरा थी, तो भाई मैं सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा घेरा बना लूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और बाद में मैं नीचे से इसको पूरी तरह सही कर दूंगा। तो भाई घेरा बनना स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी सही तरीके से मैं बना रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आज की रात काफ़ी बुरी तरह बीत गई, इसलिए क्योंकि हमारे पास ना टॉर्च है, हम लोग अंधेरे में कैसे रहेंगे। तो भाई चलो इसको पहले, ओ भाई मेरी डस्ट ख़त्म हो गई और मुझे अपनी इतनी कीमती वुड लगानी पड़ रही जो मैंने इतनी देर बैठ के तोड़ी थी किसी तरह से, लेकिन यार क्या करें यार, जीना इसी का नाम है। ओ भाई एकदम सटीक वुड थी भाई मेरे पास, एकदम सही काम हो गया। तो भाई इसको तोड़ते हैं, चलो पहले इसको तोड़ के रख लेते हैं भाई, एक वुड भी बहुत काम आती है कभी कभार। लेकिन गाइस मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं सोऊंगा कैसे, मेरे पास बेड नहीं है। ओ भाई ये क्या कर दिया मैंने भाई, कतई गलत काम हो गया भाई मेरे। सो गाइस रात हो गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नीचे नीचे खुदाई की जाए, और पूरे के पूरे 10 मिनट बाद भाई मेरे माइंड में आ गया भाई क्या ही किस्मत है हमारी, हमें मैंने सोचा भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रात में, तो क्यों ना मैं थोड़ा नीचे खोद के देखूं कि गाइस कुछ है नीचे की नहीं। और भाई क्या ही किस्मत है भाई, हम लोग सीधे माइंड में जा गिरे भाई, कतई मज़ा आ गया भाई, कतई भाई आंसू आ गए भाई मेरे खुशी के भाई, क्या हुआ भाई। तो भाई चलो इस माइंड को हम लोग ढूंढते हैं, और भाई हमारे सामने आयरन वायरन सब आ चुका, तो हम लोग सब लूटेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे दूसरों के लिए। तो भाई सब तोड़ लिया है और बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, तो अब हम लोग नीचे चलते हो भाई, मुझे लग रहा है यहाँ पे दिन होने वाला है, इसलिए देखो यहाँ पे हम पूरी माइन अंधेरे में हैं, और जहाँ से हम लोग आए सिर्फ उस जगह पे थोड़ी सी रोशनी है। सो गाइस हम लोग ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा ढूंढ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोल या कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिससे हम यहाँ रोशनी कर सकें। तो भाई क्या ही बोले, बस मारो मुझे। ओ भाई गोल्ड 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 भी, लेकिन अभी देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ पहले यहाँ पे कोई रोशनी का छोटा सा यहाँ पे हम लोग साधन बना ले जिससे हम लोग यहाँ पे देख सकें। तो अभी तक सुबह नहीं हुई है और मुझे बस लग रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ वापस चला जाए, और जहाँ हम लोग थोड़ा सा कोल लेके यहाँ वापस आएंगे। तो भाई लोग मुझे नीचे आने में टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाइस हम लोग नीचे ही ढूंढे कोल, और यहीं से हम लोग पूरी टॉर्च बना के पूरा एक्सप्लोर करके ऊपर चलें। तो भाई मैंने ये सोचा, और मैं सोच रहा हूँ फिर से नीचे चला जाए और देखा जाए नीचे क्या है। तो भाई इतना मुझे आने में टाइम नहीं लगा जितना अब वापस जाने में लग रहा है भाई, अब पता चल रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। और भाई हम लोग किसी तरह आ तो चुके हैं, और तो चलो थोड़ा आगे चल के देखते हैं, मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं हमें हमें कोल ज़रूर मिलेगा। तो ये गोल्ड है लेकिन हम इसे तोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अभी आयरन पिकल नहीं है। तो भाई आगे चलते हैं, तो क्या ही बोले भाई, काफ़ी देर के मैंने बट गाइस मुझे यहाँ पे कोल मिल चुका है, और भाई काफ़ी टाइम लग गया इसको ढूंढने में, लेकिन अब मिल गया है तो हम पूरा लूट।
सो गाइस फाइनली हमें आखिर कोल मिल गया। अब हम इसे तोड़ते हैं और भाई अब हम अपनी क्राफ्टिंग टेबल रख के टॉर्च बनाते हैं। और गाइस टॉर्च से हम आपको ये पूरी की पूरी केव दिखाएंगे और बताएंगे इस केव में आगे क्या क्या है। तो गाइस चलो भाई चार टॉर्च बन गई हैं और सबसे पहले लगा के हम आपको इस केव के दर्शन करा देते। काफ़ी अच्छी केव है भाई, ये मज़ा ही आ गया भाई। तो भाई इसमें अभी बहुत सारा कोल है तो आज हम सारा का सारा कोल अपने साथ लेके जाएंगे। कम से कम गाइस हम आज यहाँ से 25 to 30 कोल तो लेके जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि हमें फर्नेस भी बनाने और फर्नेस में कोल की बहुत ज़रूरत होती है। सो भाई चलो तोड़ते तोड़ते काफ़ी मुझे टाइम तो हो ही चुका है। वो भाई टूट जा कितनी देर लगाएगा। तो गाइस वो भाई अभी ऊपर और भी कोल है, कितना कोल है भाई यहाँ पे। मैं तो अमीर हो गया, मैं तो कोयला मंत्री बन जाऊँगा। और नीचे भी है। सो गाइस ये भी कलेक्ट कर लिया है मैंने। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि और कोल ढूंढा जाए या वापस चला जाए। तो भाई अभी थोड़ी लालच सी आ रही है मेरे अंदर, तो मैं सोच रहा हूँ तो और ढूंढा जाए। और मुझे लग रहा है कि अब ऊपर दिन हो चुका है इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जी हाँ गाइस दिन हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि अब चला जाए कि अभी यहाँ रुका जाए। तो यहाँ पहले मैं एक टॉर्च लगा के थोड़ा और ढूंढ लेता हूँ क्योंकि लालच मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं आज यहाँ से कुछ तगड़ा लेके जाऊँगा और मुझे वो तगड़ी चीज़ डायमंड लग रही है। तो गाइस आज डायमंड के लिए हम कुछ भी करेंगे और रिस्क लेने को भी तैयार हैं। तो भाई हम थोड़ी टॉर्चेज और बना लेते हैं लेकिन हमारे पास स्टिक्स नहीं बची हैं। चलो गाइस कोई नहीं, हम 3 to 4 टॉर्चेज में ही किसी तरह गुजारा कर लेंगे। तो भाई हम अपनी टेबल रख लेते हैं क्योंकि आगे बहुत काम आएगी। एक सेकेंड भाई, वो भाई मैं भी एकदम कहकर क्या ही काम करता हूँ भाई। मेरे पास स्टिक्स थी लेकिन मुझे पता ही नहीं था। चलो गाइस अब हमारे पास काफ़ी सारी यहाँ पे टॉर्चेस 17 टॉर्चेस हो चुकी हैं तो हम लोग आगे चलते हैं। ओ भाई ये हाथ में क्यों नहीं आ रही हैं? मुझे लगता है गाइस एंड्रॉयड में ये हाथ में नहीं आती शायद। आ जा, ओ भाई फिर फेंक दी। गाइस ये नहीं आएगी तो चलो कोई नहीं, हम लोग लगाते ही लगाते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओ भाई आगे हम लोग को और आयरन भी दिख गया तो भाई हम लोग अब खूब जम के आज हम लोग सारा सामान जमा करेंगे और खूब मज़े करेंगे। तो भाई सब तोड़ते चलते हैं यार, खूब मज़ा आने वाला है। तो भाई इसको तोड़ लेते हैं। टूट जा मेरी जान, टूट जा। सो गाइस ये टूट गया है लगभग। ओ तू भी एक और एक बचाएगा इसे, एक। सो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे सारा का सारा तोड़ लिया। यहाँ पे कोल है लेकिन अभी हम कोल के पीछे नहीं पड़ेंगे, हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे और देखेंगे आगे क्या क्या है। सो गाइस हम लोग आगे और आ गए। ओ भाई साहब अब यहाँ पे एप्पल खा लेंगे भाई, एप्पल भूख सी लग रही है मेरे थोड़ी सी। गाइस हम लोग ने अपना पेट भी भर लिया है और अब हमें कोई नहीं रोक सकता आगे जाने से। तो गाइस चलो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। सो भाई मुझे लग रहा है कि ये कोई ऊपर जाने का रास्ता है और हम लोग कोई नई जगह निकलेंगे। और भाई थोड़ा एकदम जैसे कैसे इंटरेस्ट सा आ रहा है कि देखते हैं आगे क्या होगा। तो भाई केव देखते कहाँ जाके खुलेगा। और भाई इतना सारा कोल है भाई यहाँ पे, बहुत सारा कोल है। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, अब तो गाइस मुझे इसे तोड़ना ही पड़ेगा। तो गाइस चलो इसको तोड़ना शुरू करते हैं, काफ़ी सारा कोल है भाई। सो फाइनली गाइस मैं इतनी देर से कोल तोड़ता ही जा रहा हूँ, भाई मुझे कोल मिलता ही चला जा रहा है। तो भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि भाई ऐसे कुछ ज़्यादा ही कोल मैंने जमा कर लिया है। भाई ये देखो जहाँ भी देख रहे हो बस कोल ही कोल है भाई, जैसे ऐसा लग रहा है मैं किसी कोल की खान में आ गया हूँ। और भाई ये माइन मेरे लिए बहुत लकी है भाई। देखो 27 कोल से मुझे कुछ ही मिनटों में मिल गया भाई, ये माइन मेरे लिए बहुत लकी है भाई। और ये जगह भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है। तो मैं ये जितना भी कोल इसको तोड़ के आगे चलता हूँ और देखता हूँ आगे क्या क्या है। तो भाई चलो यहाँ से निकला जाए क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ कोल तोड़ते। और भाई ये कोई अजीब सी खाई सी आ गई है भाई यहाँ पे। चलो यहाँ पे और भी कोल, लेकिन अभी गाइस मैं कोल की लालच में नहीं आऊँगा इसलिए क्योंकि मैं पिकल की हेल्थ थोड़ी काफ़ी कम हो गई और मैं यहाँ फालतू में अपने पिकल की हेल्थ नहीं गंवाना चाहूँगा। और यहाँ पे मैं बस एक सीढ़ी बना लेता हूँ ताकि अब मैं वापस आऊँ तो मुझे याद रहे हो भाई यहाँ तो पानी है। तो यहाँ गाइस एक टॉर्च लगा के देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं। ओ भाई सामने और शायद एक गोल्ड है कि आयरन, चलो अभी देखते हैं आगे चल के। तो गाइस हम लोग और आगे आ चुके हैं। ओ भाई काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ पे सामने क्या है ये, ओ सामने गोल्ड पड़ा है। गाइस हमारी मजबूरी है कि हम इस टाइम गोल्ड नहीं ले सकते और हम लेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो भाई चलो थोड़ा और घूम फिर लेते हैं, यहाँ पे एक टॉर्च और लगा देते हैं यहाँ पे। ओ थोड़ा सा और यहाँ पे कोल पड़ा लेकिन अभी हम कोल की लालच में नहीं आएंगे। और सामने भाई बड़ा अंधेरा है यार। मैं ओ भाई मो भाई छोड़ दे।
तो गाइस हम सोच रहे हैं इसको आज बहुत बुरी तरह मारते और दिखा देते हैं कि ऑग्रे वाइटी क्या है। ओ भाई ये क्या, सामने डायमंड भी पड़ा है भाई, चलो लूटते। ओ भाई ये क्या हो गया, क्योंकि भाई भाई छोड़ दे छोड़ दे भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे भाई, गरीब गरीब भाई छोड़ 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 छोड़। ओ भाई साहब भाई बहुत गलत सीन हो गया भाई, छोड़ दे भाई बहुत कम हेल्थ है। ओ भाई भाई तीन हेल्थ बची थी भाई, कैसे बचाऊँ यार, सिर्फ तीन हेल्थ। अगर वो एक या दो बार अटैक और करता तो पता चला हमारा गेम आज यहीं फिनिश हो जाता, हमारा जितना भी एमराल्ड है हमारे पास तीन एमराल्ड और ये सब चला जाता। फाइनली हमें यहाँ पे मिल चुका है डायमंड, तो भाई हमारे तो मज़े ही आ गए। क्या डायमंड तोड़ सकते हैं? हाँ हाँ तोड़ सकते हैं भाई। तो हमें यहाँ पे ये डायमंड नहीं है, एक सेकेंड, डायमंड ऐसा नहीं होता है भाई, ये डायमंड नहीं है ये, तो भाई ये क्या है, एक सेकेंड, डायमंड नहीं है ये क्या, एक सेकेंड पहले मैं देख लूँ कोई मॉब तो नहीं रहा। गाइस ये लैपिस लजूली है, ओ भाई मैं फालतू में इतना खुश हो गया था, वैसे है तो ये भी बहुत प्रीशियस चीज़, लेकिन भाई मैं लैपिस समझा था, मैं बहुत खुश था। ओ भाई एक और सामने स्केलेटन आ गया भाई, छोड़ दे भाई क्यों मार रहे हो यार, हेल्थ उड़ा रहे हो मेरी फालतू में भाई, फालतू में यहाँ पे हम इतना रिस्क ले रहे हैं, ये लैपिस है भाई, चलो कुछ तो मिला। सो गाइस हमें यहाँ पे लैपिस मिल चुका है। ओ यार मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पे मैं ख़तरा ना लूँ, क्योंकि मेरे पास खाना नहीं बचा है, अगर अब मेरे पर मॉब ने अटैक किया तो मेरे पास बचने के बहुत कम रास्ते होंगे और मुझे भूख भी लगना स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस अगर अब मुझे डैमेज पड़ेगा तो मेरी हेल्थ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ यार शांति से निकल जाया जाए और बाद में आके यहाँ पे इनसे बदला लेंगे और नीचे देखेंगे नीचे क्या है। तो अभी यहाँ से भागना बहुत ज़्यादा सही रहेगा। सो क्या करें, और इस चमगादड़ को भी मैं ज़रूर मारूंगा क्योंकि मुझे इसको देख के अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो भाई ओ भाई यार ये क्या, ये कहाँ से आ गई, चली जा हट पर होश होश। अरे यार मुझे लगा कि यहाँ कुछ देगी लेकिन इसने कुछ नहीं दिया, तो गरीब गुरबा है। सो चलो भाई हम लोग एक सीढ़ी बना लेते हैं। ओ भाई कम ने, चलो कोई नहीं निकलते हैं। हम लोग फिर से आएंगे इस जगह पे और यहाँ पे जाके एकदम पायरेट बन के यहाँ पे कतई लूट मचा देंगे। सो गाइस अब हमारी सीढ़ी काम आई, और टॉर्चेस का गाइस ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि हम लोग तुरंत सटासट बिना कुछ सोचे समझे ऊपर जा सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि टॉर्चेस से हमें लोकेशन डिटेक्ट होती रहती है। सो गाइस मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ और मुझे खुद नहीं पता मैं किस साइड जा रहा हूँ, बस टॉर्चेस का ही सहारा है। ओ भाई इतनी दूर इतनी देर में मैं वहाँ पहुँचा था और इतनी तेज़ मैं यहाँ पर वापस आ गया। तो चलो वापस चलते हैं ऊपर और यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस चलना स्टार्ट कर दिया है। ओ भाई देखते हैं कितनी देर लगी, मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लग जाएगा भाई ऊपर जाने में, क्योंकि मुझे इतना आदत नहीं है। चलो एक बार ट्राई करता हूँ खूब स्पीड से काम करने की। वो भाई क्या स्पीड है, ये मुझे लगता है अगर मैं ऐसे ही करता तो मैं कुछ ही सेकंड्स में ऊपर पहुंच जाऊंगा। भाई क्या स्पीड दिखा रहा हूँ, क्या मूवमेंट दिखा रहा हूँ। और भाई अच्छा हुआ मैं वहाँ से भागी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुझे कितनी ज़्यादा भूख लगी है, मेरे पूरे के पूरे आधी भूख चली गई है, सिर्फ आधी बची है, और अब मेरी हेल्थ भी काफ़ी कम है, इसलिए भाई बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इस टाइम मैंने दिमाग से काम लिया है और मैं वहाँ से भागने का मैं डिसीज़न एकदम सही था। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो चलो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा।